इसका मत तो यह है कि ईश्वर के कार्य में हम जब संलग्न होते हैं तो स्वयं ईश्वरीय तत्व से युक्त हो जाए, पहले सारे विकारों को छोड़कर हम पवित्र हों, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। भगवान की पूजा के लिए जब आपके मन में श्रद्धा हो, पूर्ण पवित्रता के साथ वहाँ पर जाकर उनकी जैसी पूजाएं आपसे बनती हो, कोई उनका विशिष्ट नियम नहीं है, पूजा आपके भक्त के अधीन होती है, तो अपने हिसाब से उनको जल चढ़ाना, कुमकुम, चंदन, फूल इत्यादि से उनकी पूजन करना, दोनों की पूजन करने के बाद तुलसी दल में भगवान शालिग्राम को रख कर, तुलसी चढ़ाकर, चंदन लगाकर, और जैसा भी आपके मन में भाव हो कि हमको वर को सजाना है या कन्या को सजाना है, ये आपके भाव के ऊपर है, और ये आप साधारण करना चाहते हैं तो स्वयं सजे हुए हैं और उनमें एक धागा बांध कर एक दूसरे से ग्रंथि बंधन करें, और विवाह की विधि से माने कि इनका हमने विवाह कर दिया है, और चाहे तो तुलसी को शालिग्राम को लेकर उनकी परिक्रमा करा दें, दोनों को लेकर परिक्रमा करा दें, ये तो आपकी विधि के ऊपर निर्धारित है, निहित है आपकी निष्ठा के ऊपर। बाकी इनके विवाह में अन्य कोई विधियाँ नहीं है, न कोई दान का विधान है। दान का विधान यह है कि कलयुग में दान का बड़ा महत्व है, कहते हैं कुछ भी न किया जाए, दान किया जाए और नाम का आश्रय लिया जाए तो परिपूर्णता होती है। तो दान का मतलब द्रव्य भर से नहीं है, आन रहित तो होकर, जो भी आप अहंकार रहित होकर जो दे उसमें अहंकार न हो उसे दान कहते हैं। आन रहित दिया गया थोड़ा या बहुत दान कहलाता है। इस विधि से आप तुलसी विवाह करें, ब्रह्म का जीवात्मा का और जो एकाकार अंश रूप है वो सामने है आपका, उनके विवाह से आपके हर तरह के कल्याण होते हैं। उसमें ये भाव नहीं है कि ये गृहस्थ आश्रमी ही करे, विरक्त गृहस्थ आश्रमी और भगवान से श्रद्धा रखने वाला जो भी करेगा उसे संपूर्ण संपदाएं प्राप्त होंगी। संपदाओं का मतलब लौकिक जगत की संपदाएं नहीं, कि संसार में यही भर संपदा होती है, भक्ति रूपी संपदा उससे भी बड़ी है और मुक्ति रूपी संपदा सबसे बड़ी है। तो हर तरह की संपत्ति उसे प्राप्त होती है। यदि पत्नी सुख चाहता है तो पत्नी सुख मिलेगा, पुत्र संतान सुख चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, राजाओं के समान भोग चाहता है तो वो भी मिलेगा, जो चाहता है उसे उसमें वो उपलब्धि है। दिशा और दृष्टि तुम्हारी है, निष्ठा तुम्हारी है, उपलब्धि तो देने वाला परमात्मा एक ही है।